व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ क्या होता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, एमबीबीएस एमएस डीएनबी ऑब्स एंड गायनी विद फेलोशिप इन आईवीएफ इन इनफर्टिलिटी। इन माय पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स वी हैव हेल्प्ड मेनी पेशेंट्स कंसीव नेचुरली थ्रू आईयूआई एंड थ्रू आईवीएफ। तो आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ एक तरह का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जिसमें हम एक एग यानी एक फीमेल एग और एक मेल स्पर्म को आपस में मिला के थ्रू आईवीएफ या इक्सी एक ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं और उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जिससे आपको कंसीव करने में हेल्प मिलती है। ये एक बहुत ही एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसका सक्सेस रेट अराउंड 50-60% तक होता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में किया जाता है। इसका पूरा प्रोसीजर जो होता है वो पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होता है जिसमें लेडी को यानी कि फीमेल पार्टनर को इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस ह्यूमन ओवरीज में यानी फीमेल की ओवरीज में अंडाशय में कई नंबर के एग्स तैयार करने के लिए दिए जाते हैं। ये HMG या FSH इंजेक्शंस होते हैं जिससे एक समय पे ओवरी के अंदर बहुत सारे एग्स मैच्योर हो जाते हैं। ये इंजेक्शंस करीबन 10 दिन तक लगाए जाते हैं और जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिस प्रोसीजर को हम ओसाइट रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप भी बोलते हैं। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है और जब हम एग्स को हम बाहर बॉडीज के बाहर निकाल लेते हैं तब हम एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं जिसको हम इक्सी या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद उस फर्टिलाइज्ड एग को हम ग्रो करने के लिए इंक्यूबेटर्स में छोड़ देते हैं। इनको 3 से लेकर 5 दिन तक ग्रो किया जाता है और जो एम्ब्रियोस तैयार हो जाते हैं उनको फिर हम फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। उसके बाद आपको 15 डेज के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं जो इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट का पता लगता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, यानी आपको कंसीव हो गया या नहीं हो गया। ये टेस्ट बीटा HCG ब्लड टेस्ट होता है, बीटा HCG, जिसके द्वारा हमें ये चीज़ पता लगती है। होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे। थैंक यू।